हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुपर्णा और आप देख रहे हैं इंटीरियर बाड़ी सोवा। मार्च ख़त्म होने वाला है, इसका मतलब गर्मी आ गया है। इस तपती गर्मी को सुहाना बनाने के लिए मैं मेरे घर पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस करूँगी और वही आज आपसे भी शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करूँगी डिक्लटर और क्लीनिंग से। और गर्मी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एसी का सर्विसिंग करना। अभी बहुत हवा चल रहा है, इसीलिए रोज डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आ रही है नेचुरल लाइट को कैसे घर पे लाए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइट कलर का कर्टन। इससे रूम में एक स्मूदिंगनेस भी आएगा और घर के अंदर लाइट भी बराबर आएगा। अब बारी है सॉफ्ट फर्निशिंग चेंज करना। जितना हो सके लाइट कलर का बेडिंग यूज कीजिए, यह आपको कंफर्ट के साथ साथ रिलैक्स भी करेगा। यहाँ पे आप कर्टन लिनन का यूज कर सकते हैं। मेरा सोफा बहुत ही डार्क कलर का है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ये लाइट कलर का कवर लगाती हूँ। कुशन भी लाइट कलर का ही यूज़ करूँगी, मगर थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए ये वाइट के साथ प्रिंटेड कुशन यूज़ करूँगी। मैं जहाँ पे प्लांट रखती हूँ वो वेस्ट साइड है। दोपहर के बाद बहुत हार्श लाइट वहाँ पे आता है, इसीलिए मैं अपना प्लांट को घर के अंदर रखूँगी। इससे घर में एक स्मूदिंग और काम इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और प्लांट भी अच्छा रहेगा। अब ऐड करूंगी कुछ ताजे फूल जो मेरे घर को इंस्टेंटली फ्रेश बनाएगा और कलर भी ऐड करेगा। नाउ ऐड सम फ्रेशनेस थ्रू रूम फ्रेशनर एंड डिफ्यूजर। घर समर के लिए रेडी है। ये सिर्फ देखने में और फील करने से नहीं होगा, अच्छा स्मेल भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कुछ डिफ्यूज़र, कैंडल्स और एसेंशियल ऑयल और हमारा देसी स्टाइल धूप जो घर का नेगेटिविटी भी दूर करता है। रूम को और भी कोजी और रिलैक्स बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी एम्बिएंट लाइट। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।